उसका इतिहास क्या है, राज्य जिस देश में है उसका इतिहास क्या, ऐसा इतिहास। इसी तरह का भूगोल, उसका अपना भूगोल, उसके पड़ोस का भूगोल, जिस गांव में रहता है उसका भूगोल, ऐसा इतिहास भूगोल का। ये नहीं कि अकबर बादशाह का इतिहास, जहांगीर का, हुमायूं का, वो बताएंगे थोड़ा, मुख्य तो ये अपना इतिहास वो ज्यादा जाने, और उसी का काम भी आएगा उसके जीवन में। ऐसी भूगोल, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड विज्ञान उसको पढ़ेंगे, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं, जीव जंतु क्या हैं, इनका आपस में संबंध क्या है, एक दूसरे का एक दूसरे पर निर्भरता क्या है, किसकी किसको जरूरत है, ये सब पूरा। चंद्रमा क्या है, सूरज क्या है, इनकी भूमिका क्या है, ये सब। और ये ज्ञान लेके जब कोई निकलेगा ना, तो उसको किसी नौकरी की जरूरत नहीं, तो भौंडी क्रांति हो जाएगी। हाँ। 10 साल बाद समझ में आएगा लोगों को, लेकिन जबरदस्त क्रांति रहेगी। 10 साल तक बिना रिजल्ट के समय नहीं, हमने ये करके देख लिया, रिजल्ट इसके आ चुके हैं। अच्छा। हमने कुछ गांवों में, हमारे एक दोस्त हैं पवन गुप्ता करके, उनके साथ एक गांव मसूरी में उत्तर प्रदेश में ऐसा एक स्कूल चला के देखा था पहले, और उसके विद्यार्थियों को पढ़ा के देखा, बहुत अच्छे परिणाम। मसूरी ऑलरेडी बहुत बड़ी स्कूल चलती है, उसके पीछे हमारा स्कूल चलता यही। तो उस स्कूल में हम लोगों ने जो शुरू किया, तो जितने बच्चों को पढ़ाया वो आज इतने एक्सपर्ट हैं कि कोई वैज्ञानिक उनसे बात नहीं कर सकता, अपने विषय का इतना ज्ञान है। सॉइल साइंटिस्ट जितना नहीं जानता उतना उनको मालूम, पक्षियों के बारे में जितना वो जानते हैं कोई पक्षी वैज्ञानिक नहीं जानता, नेचर के बारे में इतना जानते हैं कोई नेचुरोलॉजिस्ट नहीं जानता। और वो सब बच्चे फेल हुए थे, हमने वो लिए थे, 8वीं में फेल हो गए, 7वीं में फेल हो गए। और जब फेलियर बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए, तो जो होशियार है वो तो और ज्यादा होने वाले। और वो सभी कारीगरी में आ गए, अभी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं अच्छा साबुन मंजन बनाते हैं, कुछ जूते चप्पल बना रहे हैं, कुछ खादी के कपड़े बना रहे हैं, सब अपना रोजगार चला रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, वो बेरोजगार नहीं है। कोई है उसकी ट्रेनिंग देंगे हम, मूर्ति कला, काष्ठ कला, धातु कर्म, मेटलर्जी, ऐसी 12 तरह की कलाएं सिखाएंगे हम, तो सिखाने वाले। ठीक, जब वो हम करेंगे तो बता देंगे। मेरे को सब इतनी सब चीजें सिखाने के लिए, खेती है, गौशाला है, ये सब 5-6 करोड़ हो जाएगा, हो जाएगा। एक छोटा सा खेत जहाँ सुखा सके, गौशाला एक छोटी सी, 5-6 एकड़ न्यूनतम में हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा फिर चाहे जितना हो अपने पास, इकट्ठा करो 4-5 लोगों को अपने बालोद में, शुरू करो, सिलेबस हम दे देंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग करा देंगे, चलता रहेगा। व्यवस्थाएं कैसी वो तो कोई हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रिंसिपल हो, कोई मैनेजर हो, करना क्या है वो महत्व का है, इसमें प्रिंसिपल मैनेजर का महत्व नहीं। आकर वैसा रहेगा। हाँ देखा आपने, मानव बल की पूरी काफी स्वच्छता कार्यालय वही पढ़ते थे, ऐसा बात कुछ कुछ उसी तरह RSS में भी वैसे बर्वासी आश्रम ड्राइवर
इस अगले साल तक 6 ऐसे गुरुकुल हो जाएंगे, फिर उसके अगले साल 2007 में 14 हम करने वाले, और 2009 तक हमारा उद्देश्य है करीब 40-45 करना। अभी आप घूम घूम के सब प्रचार कर रहे हैं, तो और भी आपके साथी जो है घूम घूम प्रचार करने लगे हैं? हाँ, काफी है, दक्षिण में बहुत, कर्नाटक में, आंध्र में, इधर भी कभी तो आते ही वो आएंगे तो कैसे बात करेंगे, कन्नड़ बोलते हैं उनसे, मतलब इस भी वर्धा में कोई तैयार हुए साथी वो भी आगे, वर्धा वाले मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं, हिंदी भी जानती होंगे? हिंदी में ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे सबसे कम कार्यकर्ता हिंदी वाले ही है। अब उनको हम इधर घुमाएंगे तो क्या होगा, वो जानते ही नहीं हिंदी, बात ही नहीं करेंगे, तुम जबरदस्ती कहो तो भी एक बार बोलेंगे फिर वापस मराठी में आ जाएंगे। सांप के बारे में समझा रहा था, एक गिलास पानी ले आइए ना, ले आएंगे वो, एक चप्पल के बारे में नहीं बता रहे थे। अच्छा, कि चप्पल इतनी पहननी चाहिए करके, टायर के, हाँ वो कौन सा जो रखे कहाँ के थे? वो थे वहाँ के यवतमाल के, यवतमाल से है। है के वो? हाँ है, वो अपनी किताब में पीछे है, इसमें यवतमाल जाते हो महाराष्ट्र की लिस्ट में देखो, जितेंद्र लोढ़ाया उनका नाम, महाराष्ट्र में देखो, राजकुमार बैडिया, वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, बोलो यहाँ बुलाए राजकुमार बैडिया के नाम भी है ना, हाँ बुलाते हैं करके, तो आ जाएंगे रात रात में, ये भी कार्यक्रम चल रहा है, आएंगे इनको समझने, यवतमाल देखो, वाटर रिसर्च के ऊपर समझना है भैया, आजकल बहुत पानी भी मिलता है, पानी जो है इसलिए मिलता है, और ठंडा वाला देव है इसमें यवतमाल, अनिल पटेल है, बैडिया जी का है, नहीं अमरावती है, यवतमाल, यवतमाल डॉक्टर अनिल पटेल साहब का है, हाँ बस इनको संपर्क कर लो तो जितने भी आए उनके बालों जी की, हाँ सब जो व्यक्ति है खुद ही अपना स्कूल में चले गए, तो लंबे लंबे इसमें लिखो ना उसका नाम है, जितेंद्र लोढ़ाया, जितेंद्र लोढ़ा, लोढ़ा नहीं लोढ़ाया, उनसे संपर्क करना है अपना, हाँ सर्विस में, सर्विसेज में वकीलों के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में कर लीजिए, मैं आपको कल दे दूंगा, हरी कैसे अभी तक नहीं बनाई, वो ये कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, अच्छा फूट फूट के बोलते हैं ना, उनकी जो कैसेट है वो भी तो मिल जाए, कैसेट भी तो मिल जाए, इनकी जो लैपटॉप की सीडी मिल जाए, लैपटॉप की कहाँ दे रहे हैं आप, तुम बालों को कार्यक्रम करो ना, रात्रि विश्राम क्यों कराते हैं, कार्यक्रम तो इसलिए मौका मिलना चाहिए, बाकी जगह मौका मिलना चाहिए, तो इनकी सभी चैप्टर की सीडी कहाँ बनी दे रहे हैं, अभी पूरी नहीं बनी है, दे नहीं रहे ना वो तो, नहीं अभी बनाएंगे थोड़े दिन में, तब मिल जाएगी, दे देंगे वो सीडी सभी चैप्टर की एक एक सीडी, जैसे आपने वहाँ दिखा रहे थे चित्रण करके, पानी बारे, हाँ वाटर के बारे में, शिक्षा के बारे में, और गुलामी के बारे में, चार चैप्टर होते हैं, शिक्षा उनका कॉपी राइट उनको चाहिए, पैसा चाहिए, एक एक सीडी का कितना लेगा वो, मटेरियल सब धर्मपाल जी से लिया, कॉपीराइट अपना मान लिया, नहीं तो कितना लेगा वो, अब उन्होंने रेट फिक्स नहीं किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे कुछ पैसा मिले, ठीक है ना, हाँ नहीं वो तो लेक्चर देने का बताया था, सीडी देने का क्या देंगे, हाँ वो नहीं देंगे भैया वो सीडी, अपन बना लेंगे, शिक्षा वाली तो हमने बना दिया, लेकिन उसमें जो चित्रण किया हुआ था उसमें क्या है कि कुछ उन्होंने कार्टून बना के, हाँ। तो अपन नहीं डाल सकते क्या, अपन ने मटेरियल लिया है,
कार्टून बना बना के डलवा दें, क्योंकि लोगों को अभी जैसे आपने इसमें दिखाया और कार्टून में दिखाते तो उसमें फर्क पड़ता, इंटरेस्टेड पड़ता कार्टून में दिखाते। उन्होंने कोशिश करिए ना उस टाइप का चित्रण करके बनाने का। हम तो इसको सीरियल ही बना देंगे, वो चित्रण भी पिक्चर है। इस पे जब पिक्चराइजेशन होगा तो कितना जोरदार असर होगा देखो, क्योंकि इसी को गांव गांव में दिखाने में असर होगा। गांव गांव में सिंपल वे में देखेंगे नहीं समझ पाएंगे, अगर सीरियल में अगर वो दिखे अपना तो बैठा है ना। बोलते हुए सामने बोलता है वीडियो हो रही, वीडियो भी है लेकिन वीडियो ज्यादा हमने प्रचारित नहीं किया। आधा गिलास और ले आया है, जान नहीं दिया लोगों को, ऑडियो दिया इसलिए तो आपका सलाह रहा हूँ कि हमको दूसरी तरफ प्रचार नहीं कर रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है आवाज आपकी हो जाए, अगला जो है वो आपको दिखता है। वीडियो में कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, ऑडियो में जितना ध्यान से आदमी सुनता है, वीडियो में उतना ध्यान से देखता है तो सुनना कम होता है, देखना कम होता है। तुम देखो ना एक एक्सपेरिमेंट करो, रेडियो पे समाचार सुनो और टीवी पे समाचार देखो, दोनों में अंतर समझ में आएगा। रेडियो विजुअल दिखा के समझाना अलग है, भाषण देना अलग है। बाकी सब लोग बदली हुई हो गया भजन होगा। उनका रखा हुआ समाज राजनीति और मीडिया उन्होंने यही बातें की आदिवासी आंदोलन भी मीडिया आपके साथ तो है ही नहीं, आप भूल जाइए और आप क्या कर सकते हो चिंतन करिए। आप कुछ करेंगे तो मीडिया थोड़ा बहुत दिखाएंगे। हम तो बोले बिल्कुल पूरी तरीके से दिखे हुए हैं मल्टी नेशनल के सामने में। एक अखबार का संपादक कुछ कहता है बोले आप कितने जागरूक होकर कितना प्रेशर हमारे पर बना सकते हैं, वो बोले आपकी आपकी तरह से उन्होंने पूरा पब्लिसिटी में व्याख्यान दिया पूरा कुछ नहीं दिया, आराम करने के लिए आपकी जिंदगी इनके पास आपने हमको क्या रात्रि शाम दिया हमारी मजबूरी है इसमें जब स्पंदन हो रहा है तो जब हम कान पे लगा के बात करते हैं आप समझ के समझाएं मुझे बहुत अनुभव अलग विषय सुविधाएं का वो भूगी क्योंकि इसमें समझाऊ और क्या है कि आज करोड़ों की जनता है इसमें से मुश्किल से जो बुद्धिजीवी होते हैं वो धीरे धीरे उंगली में गिरे होते हैं काफी समझते हैं कि व्यक्ति जब मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहा मतलब समझदार निन्यानवे प्रतिशत लोग ये बोलते हैं जगह आदमी मोबाइल फोन इतनी जरूरी चीज है मतलब उनकी निन्यानवे लोगों की नजरों में हमारी इज्जत जो है वो मटिया बेट जाती है
या तो हमारे अंदर उतना ज्यादा स्वाभिमान लाल बहादुर शास्त्री के अंदर है नहीं, मुझे जो है वो चटेंद्री होना है, मुझे जो है वो करते ही रहना है चाहे भले जो है ठीक हो जाए। या इस भावनाओं को हम कैसे अपने आप को संभालें, कुछ संभालें? इसमें देखो ऐसा है, हम किसी चीज को स्टेटस सिंबल तब बनाते हैं जब दूसरों की देखा देखी करें। हम देखा देखी में ना फंसे, जरूरत आधारित काम करें, जरूरत आधारित चिंता करें, कम हो जाए देखा देखी में ना। जब हम इसको उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा कैसे उपयोग करें कि ये हमारे को नुकसान भी कम हो जाए, कम से कम उपयोग करें उसी तरीके। माने जब आप घर में हैं तो इसका बिल्कुल प्रयोग ना करें, लैंडलाइन पे। घर के बाहर हैं तभी थोड़ा करें, ज्यादा लोग घरों में ही रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं तब भी जहाँ लैंडलाइन उपलब्ध है वहाँ इसका प्रयोग ना करें। और बता के रखे मैं यहाँ पे हूँ, कोई काम हो तो यहाँ फोन करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके ऑफिस में लैंडलाइन है फिर भी मोबाइल रखते हैं, घर से बात हो रही है तो मोबाइल से बात करते हैं, जबकि लैंडलाइन से बात कर सकते हैं, लैंडलाइन थोड़ा सुरक्षित है इसकी तुलना में। जब तुम कान पे लगा के बात कर रहे हो तब ना सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, बाकी तो घूम रही है, घूमने दो उनको वातावरण, जब रिसीव कर रहे हो तो सब प्रभाव ज्यादा कर रहे हो। या फिर किरणें जब आएगी तब यहाँ पर जब आएगा तो बहुत प्रभावित करता भी है हृदय और ब्रेन दोनों, दिमाग को भी और हृदय को जब आएगी ना पहले किरणें, वो थोड़ा अच्छा रहता है, वो कान में लगा के माइक से बात करो वो ज्यादा है सुरक्षित काफी है। यह परमाणु वैज्ञानिक कौन टीवी में बताया था मेरे बारे में? नहीं, वो बाबा रामदेव जी ने गलत बताया था, मैं CSIR के रिसर्च प्रोजेक्ट में था, उन्होंने बता दिया इसरो, इसरो अलग है CSIR अलग है, बाबा रामदेव जी को दोनों में कोई अंतर समझ में नहीं आता इसरो और CSIR। वो कहते मेरे लिए दोनों एक जैसा। आपके सर्विस सेक्टर वाले लोग आ गए क्या? क्योंकि अभी जो सेशन है वो सर्विसेज का है, आने वाले नहीं भी तो फोन कर देते हैं। ठीक है, आ जाए तो दीपक को पूछ लेते हैं। हाँ पूछिए ना, मुझे बैंक वाले तो आप चले गए कब? उनका ये मानना है कि सब बैंक में प्रॉब्लम आएगी, स्टेट बैंक में नहीं आएगी, इसलिए वो नहीं आएगी। सब बैंक मतलब ये अरे यार वो PNB को कर देगा, यूको को कर देगा, या रेंटल कर देगा, SBI को नहीं छोड़ेगा, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, ये वर्डिंग। प्रॉब्लम ये आने वाली है कि ये सभी बैंक अगले साल से बिकने की तैयारी में है, सरकार खुली छूट देने जा रही है, कोई भी विदेशी बैंक आके भारत की किसी भी बैंक को खरीद सकता है, टेक ओवर कर, वो WTO की एक कंडीशन है। गवर्नमेंट ही बेचेगी ना दुनिया? हाँ, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को बेच रही है ना, वैसे ही बैंकों को बेचेगी, अगले साल से ये शुरू हो जाए। तो सबसे पहला नंबर लगा हुआ है बिकने का, यूनियन बैंक सबसे पहले बिकने वाला है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, फिर पंजाब नेशनल बैंक, ये सब, और इनको खरीदेंगे सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एएमजेड, दिल्ली, या भारत के बड़े बड़े पूंजीपति खरीदेंगे, धीरूभाई अंबानी दो चार बैंकें खरीद लेगा, मुस्लिवाड़िया खरीद लेगा, ये सब। इसमें एक जो दूसरे तर्क आते हैं बीच फायदा होगा सब लोगों को सर्वे है और क्या, वो तो यही करेगा। NPA थोड़ा अपने सिर पे लेगा, वो क्यों लेगा NPA? इसमें तो दूसरा तर्क भी आता है कि अच्छी सर्विसेज मिलेगी, बहुत सर्विसेज देगी, जैसे वो अंग्रेज कर्जा देता था और वो 90 रुपये का कितना रुपये लेता था, 100 रुपये वही वो ये IT सही वाला अभी कर्जा मार लगा रहा है। हाँ
नहीं वही एक्चुअली वही क्या चीज है जो हमको समझना है, ताकि अगर दूसरा कोई तर्क करे तो उसको हम समझा सकें भाई इसमें ये नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप जहाँ पर अपनी जमा पूंजी रखते हो ठीक है, वो बैंक अभी सरकार के कंट्रोल में है, जनता की संपत्ति है, सबकी अब वो सब चला जाए प्राइवेट लोगों के हाथ में, छोटे लोग के हाथ में चला जाए, तो किसी दिन आपकी संपत्ति लेके भाग जाए तो गारंटी क्या है? तो सरकार गवर्नमेंट लेगी ना गारंटी, गवर्नमेंट गारंटी थोड़ी लेगी प्राइवेट बैंकों की, माउस क्लिक करेगा कोई गवर्नमेंट को उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, जब प्राइवेट कंपनी के हाथ में लाइसेंस देगी उनको जवाबदारी लाइसेंस देने के बाद भी नहीं होती है। बहुत सारी नॉन बैंकिंग और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो है हिंदुस्तान में डंप हो जाती है, जब तक बैंक की सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार भुगतान करती है, और प्राइवेट हो जाए तो कोई सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन जब लाइसेंस देगी गवर्नमेंट उनको इस देश में आप जैसे बालों ने सब गिरवी रख लिया भग गए तो क्या कर लेगा वो गिरवी वाले बताओगे? प्राइवेट बैंक के जब दिवालिया होते हैं तो लोग बेचारे फड़फड़ाते रहते हैं, पैसा डूब जाता, सरकार किसी का नहीं दिलवा पाती, कुछ दिन फड़फड़ाते हैं फिर काम हो जाता, फिर क्या भूल जाते हैं लोग, क्या करें कहाँ तक लड़े, समय ठीक बाकी सबको बुला लो सर्विसेज का अभी लेना है क्या ये पूछ लो सबसे, क्या जी